हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिम एंड यू आर वाचिंग आसिम साफ़ी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। जी हाँ, जैसा कि तुम लोगों ने एक बहुत ही सैड न्यूज़ सुन ली होगी पाकिस्तान सर्वर के मुतल्लिक, कि पाकिस्तान सर्वर में जो पार्टनर प्रोग्राम है वो ख़त्म हो रहा है फ़िलहाल के लिए, और ये न्यूज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई कि परमानेंटली ख़त्म हुआ है या टेम्पररली। फ़िलहाल के लिए एस सच करीना वालों ने कोई ऑफिशियली ये बात नहीं की कि परमानेंटली बैन हुआ है। हाँ, फ़िलहाल के लिए शायद बैन कर दिया है तो, बट क्या कर सकते हैं। ये कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ पार्टनर प्रोग्राम में। मेरे टिकटॉक में ऑलमोस्ट 40K फॉलोअर्स हो गए थे, बट खैर कभी सोचा नहीं था कि इस मकाम तक पहुँचेंगे। हाँ, अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग होती है कि आपके पास वी बैच हो, थोड़ा सा जो है ना हाइप क्रिएट होती है और आप मेहनत भी डबल करते हो अगर आपके पास वी बैच जब होता है तो। खैर नहीं है, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त दी हुई है, आप लोग इतना प्यार करते हैं उसके बगैर भी, तो मेरे लिए तो ये इनफ है कि आप लोग अब जो है प्यार ही है हमारे लिए। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ लोग क्रिएटर्स ऐसे कह रहे हैं कि हम क्विट कर रहे हैं और सब कुछ ना, तो यार ये कहना तो बहुत आसान है कि हम क्विट कर देंगे, लेकिन ये भी सोचो कि यार कितने सालों से तुम लोग मेहनत करके या तुम लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो टिकटॉक पे हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो काफ़ी मेहनत लगती है यार आपको 50K करने में या 10K करने में यूट्यूब में ना। तो अगर तुम यहाँ पे गिव अप कर दोगे तो सारी जो मेहनत है वो एक ही दफ़ा में सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और इसका फ़ायदा जो है ना सिर्फ नुकसान ही होगा तुम लोगों को। तो खैर मैं तो क्विट नहीं करने वाला, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतनी प्यार देती हो, इतना इज़्ज़त करती हो, तो मैं तो कैरी ऑन करूँगा, इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। वी बैच मिले ना मिले कोई मसला नहीं, अभी भी हम वी बैच के बगैर रह रहे हैं तो आगे भी वी बैच के बगैर रह लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग फीलिंग ज़रूर होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया वी बैच हो तो बंदा ज़्यादा खुश होता है, बट खैर आप किस्मत में कुछ चीज़ें इंसान के नहीं होती हैं, तो अब उसमें जो है ना गिव अप तो नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है कि हम मुंह उठा के बैठ जाएं या सर पकड़ के बैठ जाएं यार मैं वीडियोस नहीं बना रहा। तो अगर हम बात करें कि करीना फ्री फायर ने ये डिसीजन क्यों लिया या क्या वजह बनी इस डिसीजन की, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान में जो डायमंड्स का टॉपअप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा लोग टॉपअप नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो उनके बिज़नेस पे मुझे लग रहा है कि इफ़ेक्ट हुआ है, और इसी वजह से वो पार्टनर प्रोग्राम को फ़िलहाल के लिए बैन कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा ये पार्टनर प्रोग्राम दोबारा आ जाएगा, ताकि लोग जो है ना और दिल से मेहनत करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी राय ज़रूर देंगे कमेंट्स में। इसी के साथ कुछ अच्छी क्लिप्स जो हैं वो आप लोग एंजॉय करें, और आसिम साफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना। अल्लाह I'm taking the world you'll see.